हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक सा स्नैक्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और जिनके बच्चे जो जिस चीज़ से मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से आप उनको स्नैक्स बनाकर देंगे तो वो खा भी लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम किस चीज़ का स्नैक्स खा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए है एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद उसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी सौंफ। जैसे ही सौंफ अच्छे से चटक गई, अच्छी सी खुशबू आने लगी, तो उसमें फिर मैंने मिक्स कर दी प्याज और हरी मिर्ची, जिसको मैंने साथ में ही चॉप कर लिया था। और विंटर है तो मैंने डाल दिए हैं सफ़ेद तिल। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो बिना तिल के भी ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये रहा हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स, जो है चुकंदर। ये तीन चुकंदर को मैंने अच्छे से छील के कद्दूकस कर लिया था और जो प्याज और मिर्ची है उसमें अच्छे से 5 मिनट के लिए चुकंदर को कुक कर लेंगे, जिससे चुकंदर में से जो हल्की सी जो स्मेल आती है ना बच्चों को, वो नहीं आएगी भुनने के बाद, और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी बेसिक मसाले, जैसे धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची हम ऑलरेडी मिक्स कर चुके हैं। हल्दी पाउडर इसमें नहीं डालना है, क्योंकि चुकंदर का कलर रेड है तो हमें रेड ही चाहिए। हल्दी पाउडर मिक्स करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये हैं मैश किए हुए उबले हुए 3 आलू, जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया था। मैश करने से क्या होता है, बीच बीच में गुठली रह जाती हैं, लेकिन कद्दूकस से कद्दूकस कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से लम्स फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से सारा जो चुकंदर और आलू और जितनी भी स्टफिंग है अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं, और इसको अब मैं कर लूँगी ठंडा। इसको ठंडा होने के बाद ही हम इसको यूज़ में लेंगे। तो अब इसमें मैं मिक्स कर दूंगी 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा अगर नहीं है तो आप कॉर्न फ्लोर ले सकते हैं, और कॉर्न फ्लोर भी नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने से जो है वो हमारे जो हम कबाब कटलेट बना रहे हैं, जो भी स्नैक्स बना रहे हैं, उसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो आप जिस तरीके के कबाब बनाना चाहते हैं शेप, उस तरीके का आप ले लें। मैं तो गोल वाले बना रही हूँ, आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा शेप आप ले लें। और दिखने में कितना प्यारा एकदम रेड रेड सा कलर आ गया है, और बच्चे क्या बड़े सबको ये वाला स्नैक्स बहुत पसंद आएगा। तो अब इसमें मैं लगा दी हूँ काजू। काजू लगाने से कितनी सुंदर लग रहे हैं हमारे कटलेट। और ये है ब्रेड क्रम्स, जिसमें मैं अच्छे से कोट कर दूंगी। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हमारी स्टफिंग हो जाती तो इसकी प्रोसेस हमें दूसरी करनी पड़ती, लेकिन इसकी जो स्टफिंग थी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, गीली ही थी, तो उसमें ये बहुत अच्छे से जो ब्रेड क्रम्स हैं वो चिपक रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये मतलब अच्छे से इनकी लेयर कुरकुरी हो जाएगी। तो कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा ऑयल, और जितने भी कटलेट टिक्की हैं उनको मैं इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, बिल्कुल कम ना करें, नहीं तो ऑयल बहुत जल्दी सोक कर लेंगे और इनको अच्छे से सेलो फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रहे इनको मतलब गैस की फ्लेम कम ही रखना, क्योंकि ब्रेड क्रम्स ऊपर से हमने इस पर लेयर बनाई है तो वो जल जाते हैं, लेकिन जो कटलेट हैं वो नहीं जलते हैं। ऊपर की लेयर ज़रूर ब्राउन हो जाती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब मैं इनको पलट दूंगी, और देखिए नीचे से हल्के से हो गए हैं तो इनको अब मैं पलट दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वाला स्नैक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लाइक करना भूल जाते हैं, आप यहीं पर लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है तो। तो जो हमारे कटलेट हैं, कबाब हैं, वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इनको पलट लूँगी, देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है हमारा, और जो काजू हमने लगाए थे उसकी कलर भी चेंज हो गया है। तो लास्ट में मैंने
और रख दिए थे, तो अब मैं इनको सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ। आप इनको कैसे भी खा सकते हैं, केचप के साथ, मायोनीज के साथ, चटनी के साथ, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप इनको अदरक वाली चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए ऊपर से जो लेयर है अच्छी सी ब्राउन हो गई है, काजू का कलर भी चेंज हो गया है और बहुत बढ़िया से हमारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है और बच्चे नहीं खाते हैं तो उनको आप इस तरीके से बनाकर खिला सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, स्नैक्स पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना। बाय दोस्तों।